हेलो क्लास नाइन्थ, आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6th। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th करवाया था, तो क्वेश्चन नंबर 5th आज ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, तीन लड़कियाँ हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। वो तीनों ही लड़कियाँ एक सर्कल पर खड़ी हैं, एक सर्कुलर एरिया है, कोई ग्राउंड है, उस पे तीन लड़कियां हैं, रेशमा, एक है सलमा और एक है मनदीप। ठीक है, वो तीनों ही इस सर्कुलर फील्ड पर खड़ी है और एक दूसरे की तरफ गेंद फेंक रही है। तो रेशमा ने सलमा को एक बॉल फेंकी और सलमा ने फिर मनदीप को बॉल फेंक दी और मनदीप ने वापस रेशमा की तरफ फेंक दी। ठीक है, अब आपको रेशमा से सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 6 मीटर, सलमा से मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर गिवन है। फाइंड आउट करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसके लिए इस सर्कल का कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा, मान लो वो सेंटर है ओ। ठीक है, इस सर्कल की आपको रेडियस भी गिवन है, मतलब ओ से लेके आप ये मान लो कि आर तक, ओ से लेके आर तक आपको 5 मीटर गिवन है। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम ज्वाइन कर देते हैं ओ को, ओ एंड एस को। ठीक है, ओ आर को तो वो तो रेडियस है और ओ एस भी इसकी रेडियस ही है। ठीक है, ओ से लेके एस तक कितना होगा, 5 मीटर रेडियस। ठीक है, ये हमको गिवन है। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बिकॉज जो आपका ट्रायंगल है ओ आर एस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ओ आर और ओ एस दोनों ही इक्वल है, ओ से लेके आर तक, ओ से लेके एस तक दोनों ही इक्वल है, तो ट्रायंगल ओ आर एस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो ड्रा ओ एक्स परपेंडिकुलर टू आर एस। हमने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसका नाम है एक्स, इस पॉइंट का नाम है एक्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आर एक्स और एक्स एस इक्वल होगी, सो आर एक्स इज इक्वल टू एक्स एस। क्यों, क्योंकि जो ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, किसके अंदर, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, मतलब आर से लेके एक्स तक आपका कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, बाई इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आर एक्स ओ, आर एक्स ओ के अंदर जो एंगल एक्स है वो आपका 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आर ओ का स्क्वेयर, ठीक है, आर ओ का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वेयर प्लस में एक्स ओ का स्क्वेयर होगा। ठीक है, यहाँ से हम जो ये ओ एक्स है ना, इसकी लेंथ निकाल देंगे, आर से लेके ओ तक कितना है, 5, तो 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर प्लस में एक्स ओ का स्क्वेयर। ये 3 का स्क्वेयर 9, 5 का स्क्वेयर 25, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 इज इक्वल टू एक्स ओ का स्क्वेयर। अब ये 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और अब मैं दोनों तरफ अगर रूट ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट हट गया और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से एक चीज़ आ गई आपकी, क्या कि एक्स ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर। ठीक है, सभी यूनिट्स इसके अंदर मीटर में है, तो एक्स ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर, ये है आपकी 4 मीटर। अब एक चीज़ और देखो, जो ओ एस है, ओ एस जो है वो परपेंडिकुलर है आर एम पर, इसका रीजन है थ्योरम नंबर 10.1 है कि 3, अभी बता दे रहा हूँ। देखो क्या है, ओ से लेके एक्स एस तक ये जो रेडियस है ये आर एम पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेडियस और कोर्ड हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं
और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। मान लो ये पॉइंट मैं के मान लेता हूँ, के, ठीक है। सो आर के इज इक्वल टू के एम, ठीक है। इसका रीजन भी क्या है, थ्योरम नंबर 10.3। थ्योरम नंबर 10.3 क्या है कि आर के और के एम दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि जो रेडियस होती है वो कोर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद इसको हटा दो। इसके बाद एक चीज़ देखो आप, हमको आर एम की वैल्यू निकालनी है, तो आर एम जो है वो किसके इक्वल आएगा, 2 × में आर के। अगर मैं आर के का डबल कर दूं तो आर एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसी हिसाब से देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर एस जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालते हैं। तो देखो ये इसका बेस और ये ओ एस, ओ एक्स क्या रहेगा, हाइट। तो हाफ इंटू में आर एस मल्टीप्लाई ओ एक्स, ठीक है। तो हाफ इंटू में आर एस कितना है, 6, और ओ एक्स कितना है, 4। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 12 मीटर स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस वो हम यहाँ से निकाल देंगे। अब क्या, और बेस मानेंगे ओ एस को, तो हाइट रहेगी आपकी आर के, ठीक है। हाफ इंटू में ओ एस इंटू में आर के, तो यहाँ से हाफ इंटू में ओ एस की वैल्यू कितनी है, ओ से लेके एस तक है 5 मीटर, और आर से लेके हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 आर के, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही इक्वेशन में क्या है, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही ओ आर एस ट्रायंगल का एरिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों ही इक्वेशन से हम इनको इक्वल रखेंगे, तो 12 = 5/2 आर के, ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 12/5 = आर के, तो ये आ गया 24/5 = आर के, ठीक है। अब आर के की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम आर एम की वैल्यू भी निकाल देंगे। सो आर एम इज इक्वल टू 2 × आर के, मतलब 2 × 24/5, तो कितना जाएगा, 48/5 मीटर। तो यही है आपका आंसर, ओके। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3 बच्चे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, ठीक है। तीनों ही एक सर्कुलर ग्राउंड पर ही खड़े हैं और तीनों के बीच में कुछ स्ट्रिंग बंधे हुए हैं, ठीक है। उसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। इस तरीके से एक सर्कुलर फील्ड पर है 3 बच्चे, मान लो ये है अंकुर, फिर ये सैयद और बीच में एक है डेविड। 3 बच्चे हैं, तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल गिवन है आपको, वो आपको इक्वल गिवन है, ठीक है। गिवन में क्या है कि ए से लेके एस तक, एस से लेके डी तक और डी से लेके ए तक, ये जो डिस्टेंस है ये आपको इक्वल गिवन है। अब इसका कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा इस सर्कल का, मान लो वो सेंटर है ओ, ठीक है। अब निकालना क्या आपको, ये जो ए से लेके एस तक का जो डिस्टेंस है ना ये आपको निकालना है, और इस सर्कल की रेडियस गिवन है, मतलब ओ से लेके डी तक ये आपको 20 मीटर गिवन है, ठीक है। रेडियस इसकी गिवन है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ए से लेके एस तक या फिर एस से लेके डी तक या डी से लेके ए तक किसी की भी एक लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज ट्रायंगल ए एस डी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो आप सबसे पहले क्या करो, ड्रा डी एम परपेंडिकुलर टू ए एस। हमने डी से
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम है एम, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये ओ पॉइंट से होता यू आएगा। अब यहाँ पर देखो, हेयर हेयर ओ इज ए ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ओ जो है वो एक क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, तीनों जो ये आप कह सकते हो एंगल है या तीनों साइड्स है, तीनों साइड्स जो है ना, ये इनका बिल्कुल एल्टीट्यूड जो होगा ना, इस टाइप से जिस पॉइंट पर कट करता है उसको, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। आपने इसका नाम भी सुना होगा सर्कम सेंटर, ठीक है, या फिर सेंट्रोइड, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तीनों में स्लाइट डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो जो आपका ये डी एम है वो ओ पॉइंट से होता हुआ आ रहा है, और ओ है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर की खास बात क्या होती है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर डिवाइड्स डिवाइड्स एल्टीट्यूड इन टू रेशियो वन। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो इस एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करता है, मींस ओ से लेके डी तक डिवाइड में ओ से लेके एम तक वो क्या रहेगा आपका 2:1, मतलब 2:1 रहेगा, ऊपर वाला दो हिस्सा नीचे वाला एक हिस्सा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो देखो ओ से लेके डी तक कितना हमारा 20, तो यहाँ से 20 डिवाइड में ओ एम इज इक्वल टू 2 डिवाइड में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, ओ एम ऊपर चला जाएगा, तो ओ एम ऊपर और 2 इधर था तो वो नीचे आ गया, ठीक है, ये 1 इधर चला जाएगा तो हट ही जाएगा, सिंपल। यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर, ठीक है, तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यहीं लिख देता हूँ मैं, ठीक, इसको यहीं रहने देते हैं। ओ से लेके एम तक कितना हो गया, 10, इसका मतलब डी से लेके एम तक आपका कितना हो गया, 20+10 मतलब 30 मीटर, डी से लेके एम तक 30 मीटर हो गया। अब एक चीज़ देखो, लेट ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू, आप मान लो कितना, यू मीटर, ठीक है, ये तीनों साइड्स जो इक्वल है हमने मान ली यू मीटर। अब यहाँ पर ए से लेके एम तक और एम से लेके एस तक इक्वल है, दोनों कितनी हो जाएगी, यू बाई टू मीटर, ये टोटल अगर यू है तो ये भी यू बाई टू और ये भी यू बाई टू। अब एक चीज़ देखो, इन ट्रायंगल ए एम डी, ए एम डी के अंदर जो आपका एंगल एम है वो है 90 डिग्री, तो यहाँ से ए डी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वेयर प्लस में डी एम का स्क्वेयर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए डी मतलब यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए से लेके एम तक मतलब यू बाई टू का स्क्वेयर, और डी एम कितना आपका 30, इसका भी स्क्वेयर, ठीक है, यू स्क्वेयर एज इट इज ये हो जाएगा आपका यू स्क्वेयर डिवाइड में 4 प्लस में 900, इसका एलसीएम आ गया 4, तो ये हो गया यू स्क्वेयर प्लस में 3600 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 4 यू स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस में 3600, प्लस का यू स्क्वेयर इधर आएगा तो माइनस का यू स्क्वेयर, 4 यू स्क्वेयर में से एक यू स्क्वेयर जाएगा तो क्या बचेगा, 3 यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 3600, 3 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से ये कितना आ गया आपका 3 डिवाइड में, तो कितना आ गया 1200, ठीक है। अब यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1200 है, दोनों तरफ रूट ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ से यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 मीटर, यही आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि यू क्या था, यू तो एक ये लेंथ जो हमने मानी थी वही है, तो आपका ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू डी ए, ये सभी कितनी आ गई, 20√3 मीटर। अब ये 20√3 कैसे आया, 1200 के आप जब प्राइम फैक्टर बनाओगे ना, 1200 के इस तरीके से, तो जो पेयर बनेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 का ही पेयर बनेगा, मतलब आप इसको पेयर बना के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि U की जो वैल्यू है वो 20√3 ही आएगी। तो गाइस, ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10.4।
अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 दोनों में आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।